मेरे लिए मतलब ये सौभाग्य की बात है कि मैं निधि दीदी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, निधि चिराग सचदेव दीदी हैज डन हर फर्स्ट यूएचयू वर्कशॉप इन जुलाई 2020, एंड तब से दीदी को मैं देख रहा हूँ। दीदी इज फ्रॉम द सेम रीजन, तो काफी प्रोग्रेस किया है। तो वे दीदी इज शेयरिंग द प्रपोजल्स ड्यूरिंग दी वर्कशॉप्स एज ए रियली मतलब हम सभी के लिए एक मोटिवेशनल है। दीदी के जो क्वेश्चंस रहते थे मीटिंग में, उससे भी हमारी समझ बनने में काफी मदद हुई। दीदी इज प्रेजेंटली फैकल्टी एट शिवाजी और सौंदर्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विच इज अंडर मुंबई यूनिवर्सिटी। सो नाउ आई विल इन्वाइट दीदी फॉर दी शेयर। दीदी ओवर टू यू। जी धन्यवाद भैया। नमस्ते सभी को। मेरा नाम निधि चिराग सचदे है। मैं एट प्रेजेंट डोंबिवली महाराष्ट्र में रहती हूँ और जैसे भैया ने मेंशन किया है, भैया की वजह से ही मैं इस इंस्टीट्यूट से जुड़ पाई और पहली वर्कशॉप मेरी जुलाई 2020 में जब हुई तो उसके बहुत ही कम समय में मुझे लग रहा था कि ये कंटेंट बहुत ही वैल्यूएबल है और सभी तक इसका पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो मैं काफ़ी अपने कोर सब्जेक्ट से डिस्कनेक्टेड जैसा देख पा रही थी और कुछ समय विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर जब मैंने अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट में काम किया संजीवनी कॉलेज में, तो उसके बाद मैं चाहती थी कि मेरा सारा समय ये समझ के कंटेंट को समझने और शेयर करने में ही लगा रहे और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके प्रति काफ़ी विरोध मेरे अपने में हो गया था। पर जब भैया ने ये प्रस्ताव रखा कि मैं इस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करूं, तो विरोध के साथ शुरू हुई इस जर्नी में अब मैं काफ़ी अपने आप को ठीक से प्लेस कर पा रही हूं। मुझे हर दिन स्टूडेंट से मिलने का, फैकल्टी से मिलने का एक अच्छा अवसर मिलता है और इस पूरे UHV3 के 4 महीने के सेशन में मैं ये भी देख पाई कि जो एक्सपेक्टेड है कि हम अपनी समझ को लिविंग में भी देख पाएं, तो उसके लिए अवसर मैं स्टूडेंट्स के साथ अपने लिए भी कंटेंट UHV का और जीने के लिए जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं ठीक से प्लेस कर पाऊँ एज अ फैकल्टी, एज अ मेंटर, ये मेरा काम है, इसे मैं एक्सेप्ट कर पाई, तो ये मेरे लिए अच्छी उपलब्धि हुई। मेरे परिवार में अभी तो मेरी बेटी और हस्बैंड है साथ में। मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एज अ कंप्लायंस ऑफिसर जॉब करते हैं। बेटी 7 साल की है और मेरे इन लॉज और पेरेंट्स आते हैं हमसे मिलने के लिए, हम भी उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। और UHV के बाद मैं काफ़ी सारा शिफ्ट अपने में इन संबंधों की फुलफिलिंग की तरफ देख पाई जो मैं अभी शेयर करना चाहती हूँ। और एक बात जो मैं रखना चाहती थी शुरुआत में ही, ये 4 महीने का समय मेरे लिए बहुत ही अस्थिरता जैसा बना रहा। मेरी अस्थिरता बहुत बढ़ी या फिर अब मुझे लग रहा है कि जो थी वो मेरे ध्यान में आ रही है और उसकी तीव्रता बहुत ही बढ़ी और इसका ताप भी मुझे कभी कभी बहुत असहनीय होता रहा। पर जैसे जैसे कंटेंट आगे बढ़ा, क्वेश्चंस आए, उनके आंसर्स मैंने सुने, अपने में उसको जांचा, तो बहुत ग्रेजुअल, बहुत थोड़ा थोड़ा सा शिफ्ट मैं देख पाई। तो इस बात के लिए ये सेशन मेरे लिए बहुत यूजफुल बना रहा कि अपने प्रति बहुत सारा ऑब्जर्वेशन
अपना ही एक्सेप्टेंस, अपने ही प्रति काफी विरोध, इस सारी प्रक्रिया की वजह से मैं अब अपने आप को थोड़ा और ठीक ठीक देख पा रही हूँ। और इस बात का मुझे पता तब चला जब मैं शेयरिंग के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो शेयरिंग के लिए प्रिपेयर करना भी मेरे लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ है, तो इसके लिए पूरी टीम का बहुत धन्यवाद। तो अब मैं जो पॉइंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग शेयरिंग के लिए शुरुआत करने का प्रयास करती हूँ। जो पहला पॉइंट है मानव, और मुख्य रूप से मैं, तो इस पर्टिकुलर सत्र के दौरान मेरा अपना ध्यान इस बात पर गया है कि मुझ में भी योग्यता को विकसित करने की क्षमता है। मैं अपने प्रति पहले काफी जो डाउटफुल बनी रहती थी, तो अब जो शिफ्ट आया है वो मैं कुछ हद तक अपने लिए अश्योर्ड हो पाई हूँ कि ये काम, अपने में समझ डेवलप करने का काम हो सकता है, और भले ही उसकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं हो पर ये डुएबल है और मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो मैं अपने प्रति अब उदारता रखने का प्रयास कर रही हूँ, ताकि जिन भी संस्कारों से मैं भरी हूँ मैं उन्हें स्वीकार कर सकूं, उन्हें एक शुद्ध दृष्टा के इससे देखकर उन पर काम कर सकूं, और अपने प्रति मैं और कठोरता भी चाहती हूँ, ताकि मैं अपने में अनुशासित होकर अपने समय का सदुपयोग करूं, ताकि मेरे में जो स्पष्टता है वो डेवलप हो, मेरे में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी कैसे करूं उसका चिंतन हो सके। और अपने प्रति स्पष्टता ये भी हुई है कि मेरा अपना कंडक्ट आचरण जो है वो मेरे ही संस्कारों के तहत हो रहा है, उसके लिए मैं बहुत अश्योर्ड हूँ। पहले मैं बहुत ही परिस्थिति और लोगों को ब्लेम करती थी, और अपने आप को बहुत विक्टिम की फीलिंग में ही देखती थी, तो ये शिफ्ट अपने प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का हुआ है, ये एक मेरे लिए उपलब्धि हुई। जो दूसरा पॉइंट है प्रकृति का, तो इसके लिए मेरी ऐसी समझ बनी कि सुविधा को लेकर एक ध्यान मेरे बात मेरे ध्यान में आ रही है कि अपनी आवश्यकता का सही मूल्यांकन ये बहुत ही योग्यता के साथ करने का काम है। तो जब पहले वर्कशॉप हुई तो उसके बाद ध्यान गया कि सुविधा पर फोकस है, फिर कई जगह पर ऐसा ध्यान भी आया कि मैं उतनी सुविधा ड्रिवन नहीं हूँ, फिर और माइन्यूटली ऑब्जर्व करने के बाद ध्यान आया कि काफी सारा समय सुविधा पर केंद्रित है ही। तो जो इमीडिएट मुझे लगा काम करने जैसा, वो सुविधा को मिनिमाइज करने वाला, तो ये गड़बड़ हो गई मुझसे। तो मैं दोनों एक्सट्रीम को इस बार देख पाई कि मैं कभी कभी सुविधा को बहुत अंडर इवेल्युएट करते हुए कम की तरफ भी गई, और क्योंकि उससे समाधान स्पष्टता भी नहीं हुई, इसलिए कभी कभार ऐसा भी हुआ कि मैंने बहुत ज्यादा भी सुविधा के प्रति जैसे अपना रुख बदल लिया। तो एग्जाम्पल कपड़ों का ही दूं तो मैं अपनी फैमिली में ऐसा शेयरिंग हम लोग करते हैं एक दूसरे के साथ उसका, तो मुझे लगता था कि ये फिर ठीक है, मतलब शेयरिंग भी ज्यादा से ज्यादा हो, इस पर मेरा फोकस गया, और जब ज्यादा से ज्यादा कपड़े हों पर वो एक दूसरे के साथ शेयर करके हम यूज करें, और ये एक एक्सट्रीम था। और फिर दूसरा आया कि अब बहुत कम यूटिलाइज करने हैं, तो उधर मैंने फिर शेयर करने में थोड़ा रोक लगा दिया। फिर जैसे ही वो काउंट कम हुआ तो ये क्वेश्चन बना रहा कि अगर मैं बाहर जाऊंगी तो फिर लोग तो मुझे कपड़ों से ही इवेल्युएट करेंगे। उस पर मेरा ध्यान गया कि मैं उसके बारे में बहुत सोच रही हूँ, और फिर मैं अपने हस्बैंड से कहती रही कि नहीं नहीं अभी मुझे बहुत जरूरी है कि मैं शॉपिंग करूँ, और उधर भी फिर सही सही मूल्यांकन के बजाय मैं ज्यादा को कैसे उपलब्धि कराऊं इस पर ध्यान दिया। तो
तो ये दोनों एक्सट्रीम्स पर जब ध्यान गया तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अपनी योग्यता सही मूल्यांकन की ही हो और उसमें भी फोकस प्रोटेक्शन और नर्चरिंग, शरीर का पोषण और संरक्षण और साथ में सदुपयोग, इसके तहत अगर वो प्लेस करने जाती हूँ तो मैं कपड़े का काउंट भी ठीक से अब रख पाई अपने लिए। तो ये शिफ्ट हुआ और इसके साथ मुझे लगता है कि ऐसे अगर हर एक सुविधा का मैं आकलन धीरे धीरे ठीक ठीक तरह से कर पाऊँ तो फिर प्रकृति के लिए मेरी भागीदारी को मैं गति से कर पाऊंगी। और मैं पहले बहुत चाहती थी कि मैं प्लास्टिक के अगेंस्ट या कोई कैंपेन में पार्टिसिपेट करूं, बहुत पहले से उधर मेरा ध्यान था, पर उसके लिए मैं पहले बहुत एग्रेसिव होती थी। तो अब वो शिफ्ट में ध्यान गया कि मैं अपने में समझ के बिना इस काम को आगे नहीं लेकर जा सकती, तो मैं चार लोगों से बात करूं कि प्लास्टिक यूज ना करिए, इसके बजाय मैं अपने ऊपर ध्यान रखते हुए उनके सामने सही का प्रस्ताव कैसे रख सकूं, इस पर मेरे एफर्ट ज्यादा अगर दिए गए तो वो काम ज्यादा अच्छा बना रहेगा, इस पर ध्यान गया है। और ये मुझे लगता है मेरी अपनी प्रकृति के लिए एक काम करने की दिशा मुझे ठीक से दिखाई दी। और दूसरा कि मैं जो भी कैलमिटीज होती हैं, पहले उससे बहुत डिसहार्मनी में आ जाती थी और इतना तक कि मेरे सपने भी आते थे तो मैं बहुत उसमें यही डिस्टरबेंस को ही कैरी करती थी। तो इस बार जब ध्यान गया, जो प्रकृति में व्यवस्था बनी हुई है उस पर थोड़ा और ध्यान गया, समझ तो नहीं पूरी तरह से बनी है पर ध्यान जितना जितना जाता है तब मैं इस व्यवस्था को देख पाती हूँ कि मेरे डिस्टर्ब होने से जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं होगी। तो मैं पहले अपने में ठीक हो जाऊं और उसके साथ मेरा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है इस पर मेरा ध्यान बना रहे, तो फिर वो काम और ठीक से हो पाएगा। तो प्रकृति की व्यवस्था जो बनी हुई है उसके साथ मैं अपने में काफी सारा हार्मोनियस हो पाए। और अब जब अस्तित्व की बात करूं तो जो मेरा ध्यान गया है कि ये सह अस्तित्व तो बना ही हुआ है, इसके ग्लिम्स मुझे पहले कई बार मिले पर वो सह अस्तित्व के लिए है ये समझ थोड़ी और ठीक ठीक प्लेस हो पाई इस बार के सेशन से। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर रखूँ तो मतलब बेटी है घर में तो मुझे हमेशा उसका बहुत चिंता बनी रहती थी कि उसको कुछ परेशानी ना हो, तो उसको अगर मच्छर ने काट लिया तो मैं बहुत विरोध में आ जाती थी। और एक बार उसी ने मेरा इस बात पर ध्यान दिलाया कि रूम में कुछ दो तीन मच्छर थे और मैं उनको मारने का प्रयास कर रही थी और मैं ऐसे मुंह से बोल रही थी, मतलब राम 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 ऐसे बोलकर मैं उसको मार रही थी और वो मेरे हाथ में नहीं आ रहा था। तो मैं थोड़ा गुस्से में भी थी तो वो जो राम बोलने का टोन मेरा था उस पर से उसने मुझे कहा कि मम्मी तुम ये भी नहीं देख पा रही हो कि राम भी नहीं चाहते कि तुम उस मच्छर को मारो और फिर भी तुम मार रही हो, तो मर नहीं रहा है तो छोड़ दो। और फिर मैं ये रीजन को भी ढूंढने का प्रयास कर रही थी कि ऐसे जो हमें लगता है उपद्रवी जीव है वो क्यों बने हुए हैं। फिर कुछ लोगों से मेरा परिचय हुआ और उस ग्रुप में कुछ शेयरिंग होते थे रिटन फॉर्म में ही मैसेज में, तो एक बात उन्होंने शेयर की थी कि ये जो सारे उपद्रवी जीव है ऐसे हमें लगता है उनका भी पर्पज यही है कि जो कुछ अस्वच्छता है या कुछ जो पोल्यूशन है जब वो बढ़ता है तो ये इंडिकेटर्स हैं उसके लिए। तो फिर मैं बहुत ठीक से उसको ले पाई और जो विरोध था वो काफी सारा सेटल हो गया। तो अब भी ऐसा नहीं होता कि मैं मतलब मच्छर को भगाती नहीं हूँ पर वो विरोध के साथ नहीं होता है, ठीक से अगर
मैं उसको प्रोटेक्ट कर पाई तो ठीक, कभी ऐसा भी होता है कि एकदम उसे काट रहा है और मैंने मारा, पर फिर वो विरोध के साथ नहीं होता है। और मैं क्या अपना रोल कर सकूं ताकि आसपास थोड़ा व्यवस्था और स्वच्छता बनी रहे, इस पर मेरा ध्यान थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। पहले मेरा पाप और पुण्य को लेकर बहुत सारी मान्यता बनी हुई थी बचपन से। मेरी मम्मी बहुत सारा शेयरिंग करती थी हमारे साथ स्टोरीज का, और वो काफी सारी बातें घर में होती थी, तो ये एक बनाई होता था हर काम करने से पहले कि ये ठीक है या नहीं है, उस रूप में पाप और पुण्य के रूप में। पर अब जो मेरा इस बार ध्यान गया, मीटिंग्स में काफी बार मैंने इस बात को रखा था दीदी के सामने, तो उस पर भी मुझे ऐसा लगता है कि अब मन वचन और कर्म से अगर मैं संबंध व्यवस्था और सअस्तित्व, इसका चिंतन, फिर बोध और फिर सअस्तित्व, इन एक्टिविटीज के रूप में अगर मैं कर पाऊँ तो ऑटोमेटिकली मेरे से जो काम होंगे वो वैसे ही होंगे जो इनके अर्थ में है, संबंध व्यवस्था और सअस्तित्व, तो फिर वो मेरे लिए भी और सबके लिए भी उपयोगी बना रहेगा, तो इस अर्थ में मुझे काम करना है। इतना ध्यान गया। फिर एक और था मेरा एक्सपीरियंस कि फास्टिंग, ये जो एक टर्म है उपवास, उसको पहले मैं वापस, बहुत सारे पुण्य का है इसलिए बचपन से मम्मी हमको बोलती थी कि करना है। फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई कॉलेज के बाद, तो मेरा विरोध बना रहा कि क्यों शरीर को इतना तकलीफ देना है, मुझे नहीं करना फास्ट, ऐसे मैं थी। और अब जो मेरा ध्यान गया है कि शरीर के लिए भी ये रेस्ट आवश्यक है, और जो कुछ कैलकुलेशन है उसका कि इस दिन वो रेस्ट मिले तो वो ठीक बना रहता है, इन सब बातों का जैसे जैसे प्रस्ताव मेरे सामने आए अलग अलग रूप में, तो ये मुझे लगता है सअस्तित्व का ही मेरे लिए उपकार बना रहा कि मेरा इन बातों पर ध्यान गया और अब मैं उसको अपने लाइफ में ठीक से प्लेस कर पाती हूँ, उसके लिए अब विरोध नहीं है। तो शुरुआत जो हुई थी वो ऐसे थी कि पहले मुझे हर दो यूनिट के बीच में गैप ही है ऐसा दिखता था, अब वो ऐसा शिफ्ट हुआ कि एक यूनिट थोड़ा बेहतर और दूसरा कम, पर अब मुझे ऐसा ध्यान आता है कि मेरा अगर ध्यान इकाइयों के एक दूसरे के संबंध पर चला गया तो मैं अपने आप में कंफर्टेबल होकर अपनी भागीदारी को कर पाऊंगी। तो ये जो चिंतन, बोध और अनुभव की क्रिया है, ये मेरे लिए बहुत डिजायरेबल है। और भैया से जब मैंने बात की थी तो ये ध्यान में आया था कि अभी भी ये एक्सपेक्टेशन के लेवल पर ही है, पर फिर भी मुझे उसके लिए काम करना है और वो मेरे लिए वैल्यूएबल है, इतना थोड़ा सा शिफ्ट मैं देख पाई। और इसके साथ जो तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय आचरण का, तो इस सेशन के दौरान जो मेरा ध्यान गया, पहले मैं स्किल्स को, साइंस को पहले बहुत इंपॉर्टेंस है ऐसा देखती थी यूएचवी से पहले, फिर जो शिफ्ट हुआ वो ऐसा कि वैल्यू इम्पोर्टेंट है, तो मैंने साइंस को और बाकी सब चीजों को बहुत हटा लिया था अपने से, पर अब इस बार इन तीनों को एक साथ, राइट अंडरस्टैंडिंग, विजडम और साइंस, इन तीनों के प्लेसमेंट की जो चर्चा बनी रही इस सत्र के दौरान, वो मेरे लिए काफी उपयोगी बनी रही कि इन सभी के ठीक ठीक समझने के साथ ही मेरा व्यवहार वैसा ठीक प्लेस हो सकता है, नहीं तो व्यवहार में मैं मेरा प्रयास काफी सारा व्यवहार को ही ठीक करने का जो था, वो अब लगता है कि अगर इन तीनों पर ध्यान मेरा ठीक से बढ़ा तो फिर वो व्यवहार में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा, फिर मुझे व्यवहार के लिए प्रयत्न नहीं करना होगा, मेरा एफर्ट तो समझ, फिर इस विजडम और साइंस में भी हाउ टू पार्ट जो है उसमें ठीक से प्लेस करना व्यवस्था के अर्थ में, तो इन बातों पर मेरा ध्यान गया है। इसके लिए काम करना तो शेष है, लेकिन इनको मैं ठीक से प्लेस अपने में कर पाई, इतना ध्यान बना रहा।
तो फॉर एग्जाम्पल मेरा पहले ध्यान संबंध के फुलफिलमेंट पर था, पर वो व्यवहार के रूप में ऐसा बना रहता था कि संबंधी घर पर आते हैं तो बहुत अच्छा खाना बनाना, घर को बहुत अच्छे से क्लीन रखना, और जब भी ऐसे होता था कि लोग घर पर आते हैं तो मेरे हस्बैंड मजाक में मुझे ऐसा कहते थे कि अभी हो गया, जितने दिन सभी लोग रहेंगे उतने दिन तुम वो पूरा स्ट्रेस वाले ही उसमें रहोगी, तुमसे तो बात करना भी बहुत रिस्की हो सकता है मेरे लिए। तो ऐसे टाइप में मेरा होता था कि बाहर बहुत सेटल्ड वाला बिहेवियर और काफी सारा काम करना, और अंदर उतने ही ज्यादा रिएक्शंस। पर अब वो ध्यान ऐसे गया है, ऑफ कोर्स डिस्कशंस के बाद ही, कि अगर मैं इस बात पर ध्यान दे पा रही हूँ कि समझ और संबंध ज्यादा आवश्यक है और सुविधा का रोल लिमिटेड है, तो मैं इसके लिए अपने संबंधी के लिए भी प्रयास कर सकती हूँ। तो वो शिफ्ट मैं थोड़ा सा ऐसे देख पाई कि खाने की चॉइसेस जो मैं करती थी पहले, वो हमेशा पहले टेस्ट के आधारित होती थी, अब थोड़ा स्वास्थ्य के और टेस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन और मेरे एफर्ट्स भी थोड़े कम, इस रूप में अगर मैं उसको प्लेस कर पाती हूँ हर बार, तो वो प्रोग्राम मेरा ठीक बन पाएगा। इस बात पर ध्यान गया है। तो ये 4 पॉइंट्स का थोड़ी थोड़ी सी जो ध्यान मेरा गया है ये है। अब अगर अभ्यास 1 और 2 की बात करूं, तो पहली एक्सरसाइज जो अपने आप को ऑब्जर्व करने की है, जो स्टेप्स को मैं क्लैरिटी से अभी ठीक से रख पाती हूँ वो ये है कि पहला स्टेप तो इम्पोर्टेंट है, पर वो अवेयर होने का, रिएक्शंस ना करने का, पर इस बार मैं बहुत ही रिएक्शंस ही कर रही थी। अवेयरनेस कभी कभी बहुत पीक पर था ऐसा मुझे लगा, और कभी कभी मैं एकदम ही अनअवेयर हूँ, एकदम ही बाहर की परिस्थितियों से ड्रिवन हूँ, कोई अपने में ध्यान नहीं इतने एक्सट्रीम्स पर बना रहा, पर ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, इतना ध्यान गया है। और इस बार जो मेरे लिए उपलब्धि बनी रही वो ये थी कि जिस भी समय मैं अवेयर हूँ उस समय फीलिंग्स पर बहुत नेचुरली मेरा ध्यान चला गया, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी बात रखने से पहले, या फिर बाद में, जस्ट बाद में भी वो फीलिंग्स पर ध्यान गया, और उसके साथ आने वाला कंफर्ट और अनकंफर्ट, इजीनेस और बहुत डिफिकल्टी अपने आप में, इसको मैं देख पाई बस। जब भी मैं ठीक बनी रही उस टाइम बहुत आसानी से शिफ्ट हो गया। तो इसका एक बहुत एग्जाम्पल छोटा जो मुझे ध्यान में आ रहा है कि हमारे नेबर में जो रहते हैं एक अच्छा फैमिली है, तो हृदय की वजह से ही मेरा उनसे परिचय हुआ, क्योंकि हम दोनों ही ज्यादातर समय घर पे रहते थे, तो मैं उसको कहती थी कि जा उनसे मिलकर आओ, तो वो थोड़ा आधा 1 घंटा उनके घर में रहकर आती थी। फिर वैसे हमारी थोड़ी थोड़ी बात शुरू हुई, और इस बार वो 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे थे, गांव, जॉइंट फैमिली है, और उनके जो बड़े दादी हैं वो चल नहीं पाते, इसलिए वो उन्हें घर पर ही छोड़ कर गए थे, काम इम्पोर्टेंट था। तो उन्होंने कहा था उनके खाने पीने की व्यवस्था हमने कर दी है, पर वो चल नहीं पाते, इसलिए आप उनके पास जाकर आना। तो मैं सुबह सुबह ही एकदम एक्साइटेड होकर गई कि मुझे उनका ध्यान रखना है, और मैंने उनसे पूछा कि दादी आपको चाय दूं, पानी दूं, क्या चाहिए। फिर मैं वो शिफ्ट देख पाई कि मैंने शुरुआत फीलिंग के साथ की थी, पर अगर उन्होंने कुछ ज्यादा कह दिया कि ये भी लेकर आओ, वो भी लेकर आओ, तो मैं तुरंत थोड़ा थोड़ा भी विरोध, फिर जिस समय मेरे में बना रहा कि मेरी दादी को मैं बहुत मिस करती हूँ, अगर वो यहाँ होती और जो उस समय मेरी नासमझी की वजह से मैं उनके लिए नहीं कर पाई, अगर अभी मुझे ये मौका मिला है और अगर मैं कर दूँ तो वो मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग होगा। तो जैसे ही इस बात पर ध्यान गया, तो मैं उस पूरे 2-3 दिन के समय में मोस्ट ऑफ द टाइम सहज हो पाई, और जहां मुझे करना पॉसिबल नहीं हो रहा था
वो मैं उनको ठीक ठीक अपने में ठीक होते हुए कन्वे भी कर पाई, और उनका भी जो मेरे लिए कंसर्न बना रहा वो मुझे दिखाई दिया फीलिंग के रूप में। तो हम बहुत अच्छे से जुड़ गए और मुझे लगा कि एक अच्छे परिवार से मेरा जुड़ना हो गया। और जो बड़े लोगों का अब्सेंस मैं अपने फैमिली में महसूस बहुत ज्यादा करती थी, वो इस रूप में अब मैं ठीक से देख पाती हूँ कि हाँ वो ठीक से प्लेस हुआ। तो ये मेरे अपने में फीलिंग्स मैं ही डिसाइड कर रही हूँ, वो देख पा रही हूँ, और उसका बेसिस ज्यादातर अजम्पशंस बने हुए हैं, इतना ध्यान गया है। तो अब जो सातवां स्टेप है कि मैं एंश्योर तो करना चाहती हूँ रिलेशनशिप हार्मनी और को एग्जिस्टेंस, दूसरा कुछ भी मुझे स्वीकार्य नहीं है, पर इसकी कंटिन्यूटी के लिए जो काम करना है, समझ का काम करना है, वो मैं कंटिन्यूटी में करना चाहती हूँ। इसके साथ जो दूसरा एक्सरसाइज है ऑब्जर्विंग सेल्फ एंड बॉडी, तो इसमें जो ध्यान मेरे मेरा गया जिन स्टेप्स पर, वो ये है कि पहला स्टेप तो अपने और शरीर को अलग अलग देखना, पर ये बहुत ही अभी क्लियर नहीं है, मतलब कि ज्यादातर वो शरीर पर ही फोकस्ड है, पर ग्रेजुअली इसमें शिफ्ट आ रहा है जो बहुत माइन्यूट है। ये बात पर भी जब मैं ध्यान दूं तो बना रहता है कि मैं सेंसेशंस और इंस्ट्रक्शंस का एक्सचेंज हो रहा है और उसका डिसीजन मैं ले रही हूँ। तो थ्री स्टेप मुझे लगता है मुझे ठीक से प्लेस कर पाती हूँ मैं, मतलब पहले की क्लैरिटी के बिना कैसे थ्री, ये मुझे भी थोड़ा समझ नहीं आता, पर तीसरी स्टेप पर जब भी ध्यान होता है तो वो ठीक से मैं कर पाती हूँ, इतना मुझे अभी ध्यान जा रहा है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या सेंसेशंस को रीड करना है, तो इस बार मैं काफी बार डॉक्टर से मिली और मैंने कुछ टेस्ट्स भी किए, कुछ सोनोग्राफीज भी किए। तो उस समय जब मेरा ध्यान था कि मुझे इस इंजेक्शन को रीड नहीं करना है, तो वो निर्णय मेरे में बना रहा और वो पेनफुल नहीं लगा मुझे, पर जब भी मेरा ध्यान हटा तो वो छोटा सा भी कुछ एक्टिविटी हो बॉडी के साथ वो मुझे पेनफुल लगता था। तो ये रीड करने का डिसीजन मेरा है, इतनी श्योरिटी मेरे में हो पाई। चौथा स्टेप का पर्पस यही है कि मैं शरीर और अपने आप को अलग अलग देख पाऊं, उसकी इतनी स्पष्टता नहीं है, पर काम हो सकता है इतना मैं एश्योर्ड हूँ इस बात पर ध्यान गया। मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप बना रहा पिछली बार भी और इस बार भी, वो ये कि जो पांचवा स्टेप है कि मैं जो मीनिंग देती हूँ उस सेंसेशन को, उसका आधार मेरे कौन से संस्कार है, तो पांचवा और छठा। तो कुछ बातों पर इस बार मेरा जो ध्यान गया वो मैं ब्रीफली रखती हूँ। वर्कशॉप में जब भी शेयरिंग होता था कंपटीशन और कोलैबोरेशन का, तो मुझे एक ध्यान है कि मुझे अपने आप को ऐसा लगता था कि मेरे लिए तो कंपटीशन बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और मैं तो बहुत ठीक हूँ, मैं कभी कम्पीट नहीं करती हूँ, ऐसा जो बना रहा था वो इस बार ऐसे ध्यान गया मेरा एकदम ही ऑब्जर्वेशन करने के बाद कि मेरे अपने ही संबंधी या अपने ही फ्रेंड्स, इनके साथ मैं कम्पीट बहुत माइन्यूट लेवल पर करती हूँ। जैसे कि मेरे संबंधी कहीं घूमने गए हैं, उन्होंने उनका स्टेटस अपडेट किया है और मैं अपने आप से कहती हूँ कि घूमने जाने से मेरा सुख एंश्योर्ड नहीं होने वाला है, फिर भी क्योंकि वो सेंसेशन आधारित ध्यान बार बार जाता है, तो मैं घूमने नहीं गई और वो गए हैं, इस बात का बुरा मुझे उस समय लगता ही है, उनके प्रति विरोध भी दिखता है, और मैं चूज करती हूँ कि मैं अब उनका स्टेटस नहीं देखूंगी क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है। ये जेलसी वाला पार्ट या अपोजिशन वाला पार्ट बहुत ध्यान में आया, इससे मैं परेशान भी बहुत हुई, पर लगता है कि अब वो काम करने का स्कोप है वहां पर। तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरे कोई फ्रेंड गए थे बाहर
और मैंने एकदम उस टाइम मुझे वक्त था तो मैंने बैठकर उस पर थोड़ा ध्यान दिया और फिर मैं एकदम शांति से उनके पूरे सारे स्टेटस के जो दो चार फोटोज थे उनको देखा, उन्हें रिस्पॉन्ड किया और उस बार जितनी मैं कंफर्टेबल थी उतना मैं प्रीवियस तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये शिफ्ट पॉसिबल है जो एक बार हुआ, ये मेरे लिए एक अच्छा बना रहा उपलब्धि। दूसरा जो ध्यान मेरा गया कि मतलब मेरे इन-लॉज जो हैं, भैया भाभी हैं, फिर मदर इन लॉ हैं, फिर और कई सारे संबंधी हैं, तो जब भी मेरे अपने फीलिंग में उनके प्रति गड़बड़ होती है ना तो उनका भी वैसा ही रिएक्शन आता है। इस बात पर मेरा ध्यान गया क्योंकि मेरा अजम्पशन जो है कि वो मेरे संबंधी तो हैं पर मेरे जैसे हैं, इस बात की क्लैरिटी ना होने की वजह से वो विरोध बनाई जो रहता था उसमें मैं काफी अपने आप में सेटल हो पाई इस बार। वर्कशॉप्स जब कंडक्ट हो रहे थे, फिजिकल वर्कशॉप्स, तब भी काफी सारा इन अजम्पशंस पर ध्यान गया और इस बार मैंने जो राइटिंग्स अपने लिए कर पाई वो लिस्ट पूरी भरी पड़ी थी कि मैंने अपने संस्कारों को ही देख पाई मैं कि कितने माइन्यूट लेवल पर हम अपने आप को बहुत अच्छा मानकर जो चल रहे होते हैं, मतलब मैं उसमें मैं बहुत आहत हो गई कि इतना सारा गार्बेज मुझ में भरा हुआ है और इतनी सारी बातों से मैं परेशान भी हो रही हूँ। तो ये 5 और 6 स्टेप्स की हेल्प से ही मैं संस्कारों को देख पाई और जो 7 स्टेप है जिसको मैं चाहती हूँ कि मैं ठीक से कर पाऊँ तो उसकी आवश्यकता है उतना ही ध्यान गया है। वो कैसे होगा, कब करेंगे, इसका कोई अंदाजा अभी नहीं लगा पा रही हूँ पर ये आवश्यक है उतना मेरा ध्यान मुझे लगता है जा पा रहा है। तो एक्सरसाइज की उपलब्धि यही बनी रही इस बार कि मैं अपने प्रति ज्यादा ज्यादा अवेयर हो पाई। पहले जो विरोध काफी बना हुआ था अपने ही प्रति, और इस बार ये भी मेरा ध्यान गया कि मैं जब ट्रेस बैक कर रही थी तो कुछ साल पहले, जैसे 10-12 साल पहले, कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जहाँ कुछ संबंधियों द्वारा मेरा और मेरे परिवार का कुछ अवमूल्यन किया गया था। तो अब तक मेरे कई सारे डिसीजंस उस अवमूल्यन की वजह से अफेक्ट कर रहे हैं। इस बात पर मेरा ध्यान गया कि बहुत सारे मेरे जो रिएक्शंस है ना वो उस बात तक पहुंच कर जा रहे हैं। ये ट्रेस बैक इस बार हो पाया। इन 4 महीनों में कई सारे ऐसे प्रसंग आए जब मैं तीव्र क्रोध एक्सप्रेस कर रही थी अपने ही फैमिली मेंबर्स के लिए, स्पेशली मेरे हस्बैंड। तो मुझे ये ध्यान आया जब मैं बैठी तो कि मैं अपने में ही इतनी अयोग्यता देख पा रही हूँ कि मैं उससे बहुत परेशान हूँ और बाकी कई जगह मैं उसको रिएक्ट नहीं करती हूँ पर उनके साथ मेरा रिएक्शन बहुत सारा होता है। पर इस बार जो शिफ्ट ऐसा हुआ कि पहले मैं उसको एग्री नहीं करती थी, बहुत अपनी जिद पर अड़ी बनी रहती थी, वो इस बार हुआ कि मैं उन्हें सॉरी भी बहुत जल्दी बोलती हूँ और ध्यान भी जाता है कि ये मेरा ही प्रॉब्लम है, ये उनकी इनकम्पिटेंसी नहीं है, ये मेरी इनकम्पिटेंसी है जो मेरी रिएक्शंस में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जो मेरा सही मूल्यांकन में नहीं कर पा रही हूँ, किसी ने मेरा अंडर इवेल्युएशन किया तो मैं भी अपने आप का अवमूल्यन कर रही हूँ, किसी ने मेरा अधिमूल्यन किया तो मैं भी उसी को कैरी करते हुए जा रही हूँ। और इसको मैं देख पाई अपने एक्सप्रेशन में, अपने बॉडी मूवमेंट्स में, ये ऑब्जर्वेशन इस बार मेरा काफी ठीक बना रहा जिससे मैं परेशान थी पर वो बना रहा, ये एक उपलब्धि की बात मेरे लिए बनी। एक और पॉइंट मेरे इस बार बहुत क्लियरली ध्यान आया कि मैं पहले मानती थी कि फीलिंग ऑफ लव मेरे लिए बहुत सहज स्वीकार्य है, लेकिन जब मैं उसे एक-एक के साथ देखने गई तो ये ध्यान में आया कि मेरा सारा जो मूल्यांकन करने का आधार है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम शरीर और बल इसके ही आधार पर होता है। और
कुछ कुछ संप्रदाय के लोगों के प्रति भी मेरा विरोध बना रहा और मैं ही सरप्राइज्ड हो गई कि ये ऐसा भी बना हुआ है मेरे अपने में। पर वो जो शिफ्ट था वो कुछ हद तक हो पाया कि मैं उन्हें भी अपने जैसा ह्यूमन बीइंग मानव देख पाऊं, तो वो थोड़ा थोड़ा बना रहा। तो जो पहले विरोध आ गया था कि ये मुझ में कैसे से लेकर ये मेरे जैसे हैं इस बात को देख पाना और उसके साथ सहज पाना, ये जर्नी एक्सरसाइज के साथ इस बार हो पाई। तो इतना मुझे लगता है बना रहा। और इस समझ के साथ पिछले 4 महीनों में जो जीने में परिवर्तन हुआ है वो ये कि शरीर का स्वास्थ्य इंश्योर करने के लिए फीलिंग ऑफ सेल्फ रेगुलेशन के साथ मैं अपने आप को जोड़ पाई। मुझे लगता था कि मुझे क्रेविंग्स नहीं होते हैं खाने के, पर इस बार वो मुझे काफी सारे दिखे और उनको मैं टैकल भी कर पाई विद द चॉइस ऑफ नेचुरल फूड। तो ये सह अस्तित्व का ही मुझे लगता है उपकार है कि मैं कुछ लोगों से जुड़ पाई जो नेचुरल फूड पर काम कर रहे हैं, तो मेरा परिचय भी हुआ और मैं उसको समझ के साथ अपने लाइफ में प्लेस कर पाई। दूसरा परिवर्तन फैमिली के रूप में ऐसा हुआ, स्पेशली हस्बैंड और डॉटर के साथ, कि मैं उनको बहुत सारा एक्सेप्ट कर पाती हूँ और उनके लिए फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड काफी सारा समय बनी रहती है अपने में। और पहले जो मैं उनको डोमिनेट करती थी कि आप ठीक खाना खाइए, योग ये एक्सरसाइज करिए, उससे शिफ्ट होते हुए अब वो प्रपोजल के रूप में या फिर अपने करने से अगर वो होता है खाने पीने में चेंजेस, तो वो उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने भी फिर ये सात्विक भोजन की तरफ अपना ध्यान दिया है, वो भी योगा से शुरुआत कर रहे हैं। तो ये चेंज मैं देख पाई डोमिनेशन से लेकर वो फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप वाला पार्ट। और बेटी के लिए देखूं तो मैं इस बार मेरा ध्यान गया कि वो है, इसीलिए मैं काफी सारे चीजों को महसूस करती हूँ उसकी वजह से। एक बार वो बाहर जा रहे थे, तैयार हो रही थी और वो रो रही थी कि उसका हेयर स्टाइल ठीक नहीं है, उसके कपड़े ठीक नहीं है। तो मैं बहुत गुस्सा हो गई उस पर कि इतना क्या लोगों को इम्पोर्टेंस दे रही हो कि लोग अगर तुम्हें अच्छा कहेंगे तो ही तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे फिर बाद में ध्यान आया कि वो तो इतनी छोटी है, उसको ये सब बातें कैसे समझ आएंगी। और मैं अपने लिए ये देख पाई कि मैं एकदम एक्सट्रीम एंड पर हूँ, मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती कि मैं ठीक से तैयार हूँ और बाहर जाऊँ। और उसमें मैं वो रिबेलियस हूँ कि मुझे कोई पड़ी नहीं है किसी की, एस जो मैं बात में रहती हूँ ना उस पर मेरा ध्यान गया। तो मैं उसके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उसने, मैं इतनी इनकम्पिटेंट हूँ फिर भी उस सेल्फ ने मेरी चॉइस की है कि वो मुझे अपने माँ के रूप में देखे। और जो पहले ओनरशिप मेरा बना हुआ था ना उसके लिए, वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है अफेक्शन रिलेशनशिप और केयर और गाइडेंस के रूप में। तो ये शिफ्ट काफी मेरे लिए उपयोगी बना रहा। जिम्मेदारी की बात करूँ तो मैं हमेशा बहुत सारे काम करना चाहती हूँ, पर इस बार मेरा ध्यान गया कि मैं जिम्मेदारी काफी नहीं ले रही हूँ। बहुत कम समय पर मैं किसी एक जिम्मेदारी को ले रही हूँ और उसे फुलफिल कर रही हूँ, बाकी सारा समय मेरे अपने कॉन्ट्रडिक्शंस को देखने, उससे परेशान होने में ही जा रहा है। तो मेरा काम का स्पीड बहुत कम हो रहा है, पर मुझे लगता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं काफी सारी जिम्मेदारियों को लेकर अपने में ठीक होते हुए उन्हें फुलफिल करूंगी, और मेरे लिए बहुत डिजायरेबल है इस लाइफ टाइम में करने का काम। और जो स्वयं के वैभव के रूप में अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ में सामाजिक भागीदारी के लिए ऑफ कोर्स ज्यादा से ज्यादा समय निकालना चाहती हूँ, पर इस बार मेरे हस्बैंड की हेल्प से मेरा प्रायोरिटीज को ठीक से प्लेस करने का काम हुआ। मतलब पहले मैं सिर्फ जिम्मेदारी लेनी है इसलिए हाँ करूंगी ऐसा कहती थी, जो अभी शिफ्ट होते हुए समझते हुए करने का काम जो मुझे करना है वो प्रयास में कर रही हूँ। और ऑफ कोर्स तो ये 2 घंटे का समय तो मुझे लगाना ही है और इसको मुझे कंटिन्यू करना है। इस पूरी जर्नी में
सभी के क्वेश्चंस वीकली मीटिंग्स में जो भी डिस्कशंस होते हैं वो वर्कशॉप में जो कंटेंट शेयरिंग और उसके साथ जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है वो इन सारी बातों की वजह से मेरा जीना बहुत ठीक ठीक प्लेस होने की ओर है, इतना मेरा ध्यान गया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जी भैया जी, धन्यवाद दीदी फॉर अ वेरी नाइस शेयरिंग। जी भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। निधि जी ने जिस ऑनेस्टी के साथ ये शेयरिंग रखी है उससे ये तो बिल्कुल साफ है कि उनका संकल्प जो है वो बन गया है। कई उनके द्वारा महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। एक तो ये है कि वो साइंस से ज्यादा अब खुद को समझने में, खुद को कचड़े साफ करने में लग गई हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी हम बाहर तो बहुत स्वच्छता करते हैं, अंदर हमारे कितने कचड़ा है इसको हम देख नहीं पाते हैं। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं कि हमें नालियां साफ करनी है, गटर साफ करने हैं, लेकिन मेरे अंदर कितना कचड़ा भरा हुआ है, कितना विरोध है, इसको जब देखने जाते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी यात्रा बन जाता है कि मुझे अंदर काम करना है। तो एक तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आया। दूसरा ये निकल के आया कि उनने साइंस से भी इसकी तुलना की है कि अभी जो बाहर का जो साइंस है, हमने बहुत से आविष्कार किए, बहुत से चीजें बना ली, लेकिन हम मानव को संबंधी के रूप में नहीं देख पाए। यहाँ की उनने अपने पति और पत्नी संबंध पर भी बोला, तो वास्तव में यही है कि भाई भाई एक दूसरे में संबंध के रूप में नहीं देख पाया, पिता पुत्र एक दूसरे के संबंध में नहीं देख पाया, पति पत्नी संबंध तो और उलझ गया, क्योंकि उसमें तो ज्यादातर समय विरोध ही चलता है, और उस विरोध में संबंध दिखना अपने आप में एक सूरज निकलने जैसा होता है, मतलब एक नया प्रकाश जैसा। और ये तो मैंने खुद भी महसूस किया कि जब मेरी पत्नी मेरे लिए भाव देने लगी, मेरे काम को वो एक बल देने लगी, वहां से मुझ में एक बहुत ऊर्जा आई है। तो कुछ बातें उनने फोकस की हैं, वो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। दूसरा, इनको बोलने की जो एक गॉड गिफ्टेड जो कला मिली हुई है वो भी अपने आप में एक बड़ा मूल्य है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं निधि जी को। धन्यवाद भैया। और निधि जी नमस्ते, कुमार भैया नमस्कार। और भगवान भैया ने ठीक ही कहा है कि जिस तरीके से जो प्रस्तुतिकरण हुआ है, सरल, सहज, ईमानदार और जिम्मेदारी के साथ, और उन्होंने मानव संबंध में अपने परिवार से शुरू किया और जहाँ पर अपने अंदर कमियाँ थीं, क्योंकि वो झांक पाना, इंटरनलाइज करना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो डोमिनेट कर देते हैं, ये पोर्शन उनको समझ में आ गया, तो उसका प्रभाव भी अपने अंदर परिवर्तन, परिमार्जन करके परिवर्तन, और उसका छोटी बच्ची के ऊपर या पति के ऊपर तो जो प्रभाव है वो एक अच्छा इंडिकेटर है। और प्रस्तुतिकरण तो उनका एज रिसोर्स पर्सन हमेशा सरल, सहज और भागीदारी, वो एज वॉलंटियर बहुत बढ़िया, प्रेरणादायक है। और दीदी नमस्ते और बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। नमस्ते, विराम। आपकी शेयरिंग, आपका प्रेजेंटेशन और जब भी आप अपनी बात रखती है ना, हमेशा मेरे लिए प्रेरणादायी रहती है। और आज भी जब आप शेयरिंग रख रहे थे तो मैं स्वयं में बहुत कुछ एक्सप्लोर कर पा रही थी, स्वयं में, सेल्फ में और अपने जीने में और परिवार में मैं बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर पाई जिन पे मेरा कभी कभी ध्यान नहीं जाता है। और जैसे कि मेरा अभी बेबी हुआ है तो मैं उसके साथ भी अपने संबंध को देख पा रही हूँ और बहुत सारी नई चीजें ऑब्जर्व कर पा रही हूँ जो शायद मैंने पहले कभी अपने बाकी दो बच्चों के साथ कभी शायद मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाई। तो दीदी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके ऑब्जर्वेशंस और आपकी एक्सप्लोरेशन मेरे लिए बहुत प्रेरणादायी है। थैंक यू दीदी, नमस्ते। नमस्ते, बहुत बढ़िया जो है दीदी शेयरिंग रही।
और एक विज्ञान के विद्यार्थी शिक्षक पूरा जो मानवीय पक्ष है उनको गहराई में देख रहे हैं और अपने परिवार और शैक्षणिक संस्थान में जी रहे हैं और अपना जीते हुए एक जो प्रेरणा है जो शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी है जो मुख्य कर्तव्य है उसका दीदी आप निर्वहन कर रही हैं, बहुत अच्छा दीदी, मंगल कामना दीदी। सभी को नमस्ते, कुमार सर नमस्ते। दीदी बहुत अच्छा लगा आपको सुन के और हमने देखा भी आपको जिस तरह आपने परिवर्तन आया है। एक प्रश्न आया मुझे जिस तरह मैंने सुना है और जिस तरह आप बात कर रही थी, आपने अभी अपने सब्जेक्ट्स को छोड़ के अभी सिर्फ यूएसबी पढ़ाती है ना, तो कभी अभी सभी को तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उसको छोड़ के ना ये यूएसबी पढ़ाए। कभी आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश किया है कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर पढ़ाती थी उसमें साथ साथ में यूएसबी करना है? दिस क्वेश्चन इज ओपन टू यू, इज नॉट द आंसर टुडे। या जी नमस्ते, क्लियर ऑन द क्वेश्चन? जी नमस्ते सर, मैं एक्चुअली अभी जिस कॉलेज से एसोसिएटेड हूँ वहाँ पर मैं टेक्निकल सब्जेक्ट भी ले रही हूँ सर, जो एक साल का गैप था उसके बाद ये शुरू हुआ है और उसमें शिफ्ट है कि कंटेंट को मैं जीने के साथ जोड़ते हुए प्लेस करने का प्रयास कर रही हूँ, उतना हो रहा है और लगता है कि वो कंटिन्यू हो सकता है। जी सर, तो वो जरा बाद में से शेयर कर लीजिएगा क्योंकि वो भी एक डायरेक्शन है सभी के लिए। हम सबको लगता है कि हमारा जो कोर एरिया है, मतलब यूएसबी भी कोर एरिया है, उसे हट के पढ़ाना मतलब एक अलग सा ही चैलेंज है, बट इफ यू कैन इंटीग्रेट यूएसबी विद द कोर्स, द वे ऑफ पुटिंग थिंग्स बोलते ना, जिस तरह वो प्रस्ताव को रखना, उनको समझाना और उनका राइट अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना संबंधी के रूप में, दैट विल बी अ बिग आई ओपनर टू एटलीस्ट आई हैव नॉट हर्ड मेनी पीपल टॉक इन द डायरेक्शन। या बहुत बहुत धन्यवाद जी भैया, धन्यवाद। बहुत सारे हैंड्स रेज है, मैं अभी लीन कुमार भैया को आमंत्रित करता हूँ। भैया जी, भैया मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी भैया, जी बढ़िया शेयरिंग रही दीदी आपने, ईमानदारी से इन 4 महीनों में जिन जिन स्थितियों से गुजरी हैं और जो भी आपकी कल्पनाशीलता में चला है उसके आधार पर जो व्यवहार रहा है उसमें जो चूके हुई हैं उसको तो बड़ी ईमानदारी से आपने प्रस्तुत किया। और मुझे लगता है जैसा आपने शुरू में कहा कि आप थोड़ी व्यस्त रहीं, वो व्यस्तता दिखाई दी जब आप इन सारे शेयरिंग को रख रही थी इन घटनाओं के साथ, तो मुझे लगता है दीदी सेशंस आप कितने अटेंड कर पाए इन पिछले 4 महीनों में, सुबह वाले सेशंस? हाँ भैया, सेशन वैसे अटेंडेंस के रूप में थोड़े कम हुए पर रिकॉर्डिंग अवेलेबल थे और एडिटिंग के काम की वजह से फिर मैं वो थोड़ा सा बैलेंस कर पाई। इतना जी, थोड़ा सा ऐसा लगा मुझे कि अभी कंटेंट का जो सुनना है वो भी अभी थोड़ा शेष रह गया, उसको भी एक बार सुन लिया जाए पूरा। और थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा रही इसलिए मुझे लगता है कि स्वयं में जो काम करना था वो उतना नहीं हो पाया जितना आपने प्लान किया होगा। तो बट बढ़िया है दीदी, आप अपने ऊपर ध्यान तो दे रही हैं, भागीदारी भी कर रही हैं, इस बीच आपने कुछ वर्कशॉप भी लिए हैं फेस टू फेस मोड में और बेटी के साथ हस्बैंड के साथ संबंध को बारीकी से ऑब्जर्व करने का प्रयास कर रही हैं। इसमें मुझे लगता है कि अभी स्कोप थोड़ा और ज़्यादा, अभ्यास एक को और विधिवत करने की जरूरत है ताकि वो भाव और सजगता बने और बढ़े। वो थोड़ा सा भी विचारों में लग रहा है कि उलझन स्थिति बनी हुई है, उससे निकलने की आपको एक आवश्यकता भी दिखाई दे रही है और उसके लिए आप प्रयास भी कर रही हैं। तो इस तरह से आप भागीदारी कर रही हैं, निर्णय बन गया है आपका और उसके साथ अपने ऊपर काम करने का मन भी बना चुकी हैं, उनका समय थोड़ा और उपलब्ध हो जाए तो और निष्ठापूर्वक और उसको है ना बारीकी से आप उसको कर पाएंगे। तो अच्छी संभावना है दीदी, मुझे आने वाले समय में थोड़ा सा आप देखें कैसे और समय निकल पाए।
कई बार ऐसे अवसर बन जाते हैं परिवार में भी या स्वास्थ्य को लेकर कि हम थोड़े ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, तो भी ठीक है, बट आने वाले समय कैसे और समय हम दे पाए उसको भी देख सकते हैं। और बढ़िया है जिस तरह से आप ऑनलाइन मोड में जुड़ी और उसके बाद से सतत रूप से आप लगी रही हैं और एक एक करके नई नई जिम्मेदारियां आप लेती गई हैं। अब तो फेस टू फेस मोड में आप वर्कशॉप लेने का भी मन बना पाई हैं और उसको भी आप विधिवत कर पा रही हैं, तो इस रूप में देखें तो गति अच्छी है। थोड़ा सा और कैसे हम समय डिवोट कर पाए इसके लिए उसको थोड़ा देखने की जरूरत है। तो बढ़िया, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना दीजिए, बहुत सारी बधाई। हाँ जी भैया, आपने वो सही कहा है कि अभी बहुत गड़बड़ होती है, तो उसके लिए मुझे वो विधिवत प्रयास करने की आवश्यकता है, जिसके लिए ही मुझे अपना मन बनाना है और वो शुरू करना ही है और उसे कंटिन्यू रखना है। थैंक यू सो मच भैया। बढ़िया जी, तो निधि दीदी की जो शेयरिंग है, इनकी आवाज इतनी मासूमियत है, जब ये बोलती हैं तो एकदम इनकी तरफ ध्यान जाता है। और सबसे बड़ी चीज जो है, सबसे पहले यूएचवी ने परिवार में इम्प्लीमेंट करी है, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आज की तारीख में जो भी थोड़े वेल टू डू होते जा रहे हैं उनके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं तो NCR में रहता हूँ तो यहाँ स्थिति देखी है। इसे करके आदमी सभी अपना परिवार आसपास सुधार लें तो इससे बड़ा समाज के लिए कोई योगदान ना रहे, और ये बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। और जब परिवार हम सब में समझ आ जाएगी, प्रकृति के साथ हम लोग अच्छी तरह से कार्य कर पाएंगे। मैंने पहली बार बनारस में, मैं पोस्टेड हुआ है चीफ इंजीनियर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में, मेरे सर यहाँ पे जो पेड़ हैं आम के सब चीज के कोठी में, तो पहली बार मैंने पेड़ों को पकते हुए देखा है सर, आमों को पेड़ों पे। अब वो अपना आप ही, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है सर, प्रकृति अपना आप ही हमें दे रही है। तो ये समझ शायद मुझे UHV इन सब के कारण ही आई, और मैं सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। निधि दीदी ये कार्य करती रहेंगी, और शिक्षक वर्ग से मैं पहले से ही बहुत उम्मीद करता हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भैया दीदी को नमस्ते, बहुत सुंदर प्रस्तुति दीदी का, इतना शालीनता और स्पष्टता के साथ में, ऐसे लगता है कि एक, जैसे भैया बताए कि गॉड गिफ्ट है इनको मिला है, एक स्पष्टता के साथ में बात को रखने का, और वो भी मैं ध्यान से सुन रहा था इसलिए मैं जुड़ते रहता हूँ, तो बहुत सार्थक प्रस्तुति, माने अपने बात को रखने का तरीका, एक भी इधर उधर भी शब्द नहीं बोल पाना, माने ठीक ठीक बात को रखना, एक बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया लगा जी। इतना ही बात मेरे को कहना था जी, धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। नमस्ते, निधि दीदी का शेयरिंग बहुत ही अच्छा लगा, और ये सही बात है कि उनके जो बोलने की कला है वो गॉड गिफ्टेड है। मैं तो हमेशा UHV में सुनता रहता हूँ, और 40-50 बार मैंने अटेंड किया है UHV, और सर्टिफाइड भी हुआ हूँ। मेरी वाइफ को भी इनकी आवाज बहुत पसंद है, बोलती है कि वो कितने प्यार से समझाती है, अच्छा ऐसा कर ले, अच्छा वैसा कर ले, हर चीज को एक प्रपोजल के रूप में रखने की जो कला है तो वो बहुत अच्छी है। और उससे और मुझे भी कंपेयर करते रहती है, आपको इस तरह, आप इतने प्यार से क्यों नहीं समझाते हो, आप तो हमेशा डांटते रहते हो। उससे मेरे भी जो बिहेवियर में फर्क हुआ है, स्टूडेंट्स के साथ तो खैर मैं अफेक्शनेटली बात करता हूँ, मेन चीज ये है कि हमारी जो अफेक्शन है वो हमेशा बनी रहे, और वाइफ के साथ भी खैर मैं अफेक्शनेटली बात करने लग गया हूँ पहले से ज्यादा, और सभी के साथ, खास करके मेरा मेन काम है लीगल आर्गुमेंट्स करना, क्योंकि 10-12 स्टेट्स के लोग मुझे RTI के लिए कॉन्टेक्ट करते रहते हैं। उत्तराखंड में भी 10,000 ऑफिसर्स को ट्रेन करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, और मैं देखता हूँ कि जब हम कोई चीज प्रपोजल के रूप में रखे तो मैंने देखा कि फोन पर बात करने का मेरा जो स्टाइल है वो भी चेंज हो गया है। और पहले जब मैं आर्गुमेंट करता था, फोन काट देता था, ब्लॉक कर देता था, तो उसकी जगह पर इतना ज्यादा चेंज हुआ है। और मेरी वाइफ तो आवाज देखते ही समझ जाती है, अच्छा वो लोरी सुनाने वाली मैडम आ गई, वो लोरी सुनाने वाली मैडम, उसको ये बहुत पसंद आता है। और मैंने देखा है कि मुझे भी जब वो
जब मैं सुनता हूँ और मेरे टीचिंग स्टाइल जो वर्किंग स्टाइल है, इवन मैं बॉस के साथ भी बात करता हूँ तो मैं हर चीज प्रस्ताव के रूप में रहता हूँ, अच्छा सर ऐसा कर ले, अच्छा वैसा कर ले। और मैंने देखा कि इसका कोई फिर उसको इनकार ही नहीं कर पाता। मेन ये है कि हमारा जो अफेक्शन है, हमारा जो फीलिंग है, वो हमारी बातों में दिखाई देता है, और वो यदि होता है तो फिर कोई भी उसको इनकार नहीं कर सकता है। तो एक डोमिनेट करने की या इम्पोज करने वाली जो बात थी कि लोग मेरे बिहेवियर के मेरे कहे मुताबिक चले, वो बात बिल्कुल ही निधि दीदी में नहीं है, और ये बात मुझे सीखने मिली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद निधि दीदी आपकी शेयरिंग के लिए। जी